गणपति बप्पा मोरिया। तो गर्ल्स वी आर गोइंग टू गोवा। अगेन ऑन द रोड्स। अभी हम लोग अच्छा खासा डिस्टेंस थोड़ा कवर कर ही लेंगे, है ना, उसके बाद ओनली वील वेट, क्योंकि अभी हम लोग घर से कॉफी अच्छा एकदम गरम गरम कॉफी पी के आए। एंड वी थॉट कि यार एनीवेज देखो घाई करना कोई मतलब बनता है नहीं, इट इज़ आवर ट्रिप, वी हैव टू एंजॉय, है ना, दैट इज द एंटायर पॉइंट ऑफ इट। तो या तो हम लोग यहाँ से निकले, बड़ा हम लोग मिस दिस प्लेस सो बैड, पता नहीं थोड़ा अभी निकल रहे तो अटैचमेंट सा फील हो रहा है। एंड आई एम ऑलरेडी थिंकिंग कि यार जब बैंगलोर जाएंगे तो कैसा फील होगा यार, है ना, शिट, इतने से 20 दिन के लिए कितना फील हो रहा है, मुझे बहुत फील हो रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा एकदम आई एम फीलिंग वॉइड इन माय हार्ट। ₹50 कट ओवर एक्टिंग के वजह से मेरे को लगता है कि जब भी हम लोग घर सेट करके बैठते हैं ना, वी आर नॉट देयर ओनली इन द हाउस। सो आई विल टेक यू गाइस अलोंग विद मी थ्रू आउट दिस ट्रिप। तो अभी के लिए आई हैव माय हैंडकरचीफ हैंडी, मेरे को अभी बस कॉम्ब वॉम लेना है, सैनिटाइजर का स्प्रे यहाँ पे है। यार तुम गाड़ी में धूल कैसे आता है यार, आई कैन सी डस्ट पार्टिकल्स हियर, आई जस्ट कांट स्टैंड धूल। तो मैंने सेफ्टी सेक के लिए जस्ट इन केस अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर हल्का सा भी सर्दी फील हो तो मैंने उसके लिए गर्म पानी थर्मस भी पकड़ लिया है। मतलब दिस इज लाइक अ फुल ऑन रोड ट्रिप, यू गाइस वोंट बिलीव, मैंने किचन का पराठा बाकी है। हाँ मैंने किचन का एक डब्बा भी पकड़ लिया है। मतलब एकदम ओजी रोड ट्रिप है ये, मतलब एकदम ओजी। 20 लीटर का पानी का कैन है मेरे पास, आई हैव फिल्ड वाटर बॉटल्स ऑलरेडी, लाइक ऑलमोस्ट 6 बॉटल है हमारे पास, ऑलमोस्ट 6 वाटर बॉटल्स वी हैव। We are set for the apocalypse. हाँ मतलब अगर हम लोग गाड़ी में 20 लीटर का कैन भी है, एकदम सेट है हम लोग। एंड फ्यूल चेक हो चुका है, एकदम फ्यूल फुल हो गया है, एयर प्रेशर वगैरह भी हमने कल चेक कर लिया, तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट। अभी बस हमको थोड़े टाइम में म्यूजिक स्टार्ट करना चाहिए, है ना। हम लोगों ने अन्ना के पास से वंडर बूम लाया है और हम लोगों ने सुबह उसको ट्राई किया, क्या मज़ा आया मालूम है क्या, घर में पूरा खिड़की विड़की सब खुला था घर का, बट यू आर स्टिल प्लेइंग इट, अनुज ने प्ले किया था, चार्जिंग के लिए रखा था, क्या मज़ा आया यार गाड़ी में, कितना मज़ा आने वाला है अभी ट्रिप पे, ग्रेट। चलो रोड ट्रिप एंजॉय करते हैं, अलोंग द कोस्ट लाइन चलने वाले हैं हम लोग, तो इट इज़ गोइंग टू बी ग्रेट ग्रेट फन। तो या ओके, सो आज का जो प्लान है हमारा बेसिकली आई विल टेक यू थ्रू दैट। तो फर्स्ट थिंग इज कि हम लोग यहाँ से ऑब्वियसली अभी 1-6 घंटे का जर्नी है यहाँ से, लेट्स सी कि हम लोग कितना कवर कर पाते और कितने टाइम में कवर कर पाते हैं। सो व्हाट इज़ आवर प्लान इज, एज सून एज वी रीच गोवा बॉर्डर एक बार क्रॉस हो जाता है अच्छे से तो और भी अच्छी बात है। आफ्टर दैट हम लोग को कोलवा में देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड एज स्टार लाइट, जहाँ पे हम लोग जब 2-3 साल पहले जो हमारे फ्रेंड्स के साथ गए थे हम लोग गोवा, ऑल द 10 ऑफ अस हैड गॉन, तो तभी हम लोग गए थे वहाँ पे एंड वी रियली एंजॉयड द प्लेस। खाना वॉज ग्रेट, इट वॉज सुपर्ब खाना। तो हम लोगों का प्लान ये है कि वी वॉन्ट टू रीच देयर फॉर लंच एंड फ्रॉम देयर वी हेड फ्रॉम साउथ गोवा टू नॉर्थ गोवा। तो हम लोगों का जो बुकिंग है हमने किया है इन मॉर्जिम, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस, सिंपल प्लेस येट वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि एनी वेज मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नॉट इन द रूम, यू आर मोस्टली आउट। तो या एंड एनी वेज व्हाटएवर ओके, तो वैसा तो हम लोगों का सब बुकिंग वगैरह हो चुका है, तो हम लोग का लंच करके वहीं पे लंच करने वाले हैं हम लोग। तो हम लोग रास्ते में सिर्फ चाय और टोस्ट वोस्ट के लिए रुकेंगे, मेजर कुछ भी खाना नहीं खाने वाले हम लोग। सो या दैट्स दैट। चलो अभी आप लोगों को प्लान बता दिया है, अभी लेट्स हेड ऑन टू इट एंड लेट्स सी हाउ मच वी कैन डू। ट्रिप का फन यही है गाइस, हम ऐसे
भगवान जी कुछ ऐसे लग रहे हैं. तो आई केप्ट रोज इधर पीछे से एकदम सर टेढ़ा स्टैंड जैसे. एंड दिस इज़ अवर भगवान जी रेस्टिंग इन आराम से इन बिटवीन फ्लावर्स. आई एम फीलिंग नाइस एंड कोजी. गर्म भी है. आई एम हैप्पी विद माई ग्लासेस. बट अनुज इज नॉट वेयरिंग ग्लासेस. आई एम ऑफरिंग हिम बट इज लाइक नो आई एम फाइन ओनली इन लाइफ. नेचर का ऐसे ही मजा लेना चाहिए. तुम सनग्लासेस एक घंटे से पहन के बैठे हो, उसके बाद इसे निकालोगे तो चुभेगा ही ना धूप से. अगेन इट टुक अ स्टॉप क्योंकि मुझे पीठ सीधा करना था. कांट बिलीव कि कोविड के चलते एक साल कैसे निकल गया. एक डेढ़ साल है ना. बट लकीली लास्ट ईयर वी गॉट मैरिड. तो तभी हम लोग का दिसंबर में एक हल्का सा छोटा सा काइंड ऑफ एक ट्रिप हो गया था. बट ना उसके बाद ऑलमोस्ट आफ्टर अ ईयर वी आर गोइंग टू फील्स ग्रेट. तुमको कैसा लग रहा है सोफा? अच्छा लग रहा है. हैविंग फन ना? थैंक्स. नॉट बिकॉज़ ऑफ यू. हेलो. देन बिकॉज़ ऑफ हूम? Because of you, I have had all the fights from today. Oh, you? Arguments and all that. Sachcha, yaar. Haan, sachcha, yaar. Kuch bhi chagda nahi hua. In fact, aaj toh, bhai. Carrie ka bhi dikhna chahiye na. Carrie ka first trip hai ye hamare saath. To be guna. Kisi ke bas yaadon mein. Kare hal chal sara jahan. कारवार. अभी हम लोगों ने जस्ट कारवार का नेवल एरिया क्रॉस किया है. तो अभी वी आर लाइक अराउंड 20 मिनट्स अवे फ्रॉम द गोवा चेक पोस्ट. एक बस गए. ओह गॉड. एक तो एकदम पतला वन वे टाइप है. मतलब एक ही साइड में दोनों ट्रैफिक आ रहा है. तो वैसा है. एंड आई लव द रोड्स बाय द वे यहाँ का. एंड यहाँ से फुल अभी वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू सी द ओशन. ये ओशन बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे? या वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू सी द ओशन. और या 20 मिनट्स फॉर द गोवा चेक पोस्ट. गोवा चेक पोस्ट के बाद देयर इज लाइक हार्डली एनी टाइम उसके बाद. तो अभी हो रहा है 2:20 इन द आफ्टरनून. और वैसे तो 3:30 बता रहा है डेस्टिनेशन टाइमिंग. 3:30 क्या? तो लेट्स डू दिस. एक बार अच्छे से गोवा चेक पोस्ट क्रॉस कर जाए फिर तो मुझे सब खाना दिखाई देगा. स्टारलाइट और खाना. हैप्पी एक्साइटेड. अनुज का थोड़ा सा आंख जल रहा है. आई आस्क्ड हिम इफ ही वांट्स टू सी अगेन नेवल एरिया. आई आस्क्ड हिम इफ ही वांट्स टू लाइक वॉश हिज फेस. बट इज लाइक उसे कुछ होने नहीं वाला है. मतलब इज नॉट फीलिंग टायर्ड बट इज आईज आर बर्निंग हल्का हल्का सा. थोड़ा सा रेड भी हो गया है. तो धूप भी इतना है. आई एम आस्किंग टू वेयर सनग्लासेस. ही डजंट वांट टू वेयर सनग्लासेस. भगवान ही जाने. इतना मासूम सा जिद है. जिद जिद. या ओके यू गाइस. चलो लेट्स डू द गोवा चेक पोस्ट एंड देन आई विल सी यू गाइस. काफी अच्छा स्मूथ रहा है अब तक का जर्नी. Show the COVID certificate, second dose. So we'll do that. Because we have both the doses of our vaccination done and dusted. हमने already October में खत्म कर दिया ना vaccination. Woo! We have officially entered Goa. We are, I think, now almost कितना मिनट दूर है हम लोग? We are just 54 minutes. मतलब एक घंटा है अभी भी. 3:35 को we'll reach our destination for Uta, which is Starlight. As I told you, निकलने के टाइम पे मैंने बोल दिया था कि हमको स्टारलाइट में खाना खाने का प्लान था. तो एक्चुअली वी हैव लाइक मेमोरीज. ऐसा लग रहा था हमको कि व्हेन वी वेंट देयर लास्ट टाइम तो तब वो क्लोजिंग होने वाला था दोपहर के टाइम पे. तो यू आर जस्ट कन्फ्यूज. तो व्हाट आई डिड इज मैंने गूगल किया, उनको कॉल किया एंड आई आस्क्ड देम कि आर यू ओपन और नॉट. तो दे सेड यस दे आर ओपन. तो आई टोल्ड देम वी आर रीचिंग इन अंडर 20 मिनट्स. वी हैव रीच.
सो फाइनली फीलिंग सो हैप्पी. अभी विल क्विकली गो एंड विल हैव लंच एंड यस आई विल शो यू अमेजिंग व्यू. वहाँ पे सही है, बहुत सुंदर है जगह, तो सुंदर है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट सो देयर इज लाइक ग्रेट फूड ऑल्सो यहाँ पे. रियली वेरी एक्साइटेड टू बी हियर आफ्टर लाइक हाउ मेनी ईयर्स. हम लोग यहाँ पे ट्रिप मारे थे 2018 में ना, 2018, तो इट इज ऑलरेडी बीन 3 years. ओ गॉड. Only 2 people left in the entire restaurant. Nobody around us. It's 5 in the evening now. 5 ho raha hai. And we are still not checked into our property. Our property from here is like 2 hours away. हम लोग यहाँ पे अच्छे से lunch कर रहे हैं and उसके बाद we leave for our property. क्या अभी इसको इस stretch पे there is nothing. Complete darkness and पूरा जंगल है. This is my hometown.